मैं जबानी गुफ्तगु वैसे कम नहीं, बहुत ही कम करता हूँ, लिखने का आदमी हूँ, लिखता हूँ, कुछ पेश कर देता हूँ। भोपाल से मेरा बड़ा पुराना रिश्ता यूँ भी है कि यहाँ कई बार आया हूँ। एक बार लगी थी, दो तीन दफा रेडियो में जब थे तो उन्होंने यहाँ मुझे बुलाया उर्दू अकेडमी की दफा पे। और फिर तकल्लुफ भोपाली, अभी मेरे दोस्त मुस्तफा जमाल साहब जो गाय रहे थे, इस वक्त मैं समझता हूँ मुंशी सज्जाद हुसैन के भी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने, जो चुगुपा निकालते और जिस पाबंदी से ये निकालते हैं, वो भी एक इसके गवाह है कि जब हम लोगों ने नौजवानी में शुरू किया था हैदराबाद में 1966 में ये कांग्रेस की संप्रभुता निकालो थी। पहली बार सोचा कि जब डेंटिस्ट हैं और हर तरह के लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, मैंने कहा मिजा निकालो की क्यों कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए, उसमें होनी चाहिए कॉन्फ्रेंस। और तसल्लुफ भोपाली उसमें खासतौर पर उनको भी हमने बुलाया था, हिंदुस्तान से थे 29 मिजा निकालो के मांगे। तसल्लुफ भोपाली आए थे, बड़ी मोहब्बत के आदमी थे, भोपाल पर निकाला करते थे। और वहां जब आए तो हम उनको जानते नहीं थे कि हम कैसे रिसीव करें स्टेशन पे। तो मेरे दोस्त हिमायतुल्लाह ने तरकीब निकाली के साथ हम हर तबके के सामने तसल्लुफ भोपाली का नाम पुकारते चले जाएंगे। तो जब जैसे आवाजें लगाते हैं तो हर डब्बे के पास गए, तकल्लुफ भोपाली पुकारते गए। तो किसी ने डब्बे में से पुकार के किया, नया तकल्लुफ भोपाली वाले एक प्लेट तकल्लुफ भोपाली हमें भी दे। तो मैंने एक पुस्तका रिपोर्टाज लिखा था, उस पहली कॉन्फ्रेंस का जिसका मैं जन्म सेक्रेटरी था, उसका रिपोर्टाज का नाम ही मैंने एक प्लेट तकल्लुफ भोपाली रखा। बड़ी मोहब्बत के आदमी थे। और किन किन को याद करूँ, सब भोपाल खाली होता जा रहा, बिल्कुल खाली, तकरीबन खाली हो गया है। अब एक कौशल नहीं कौशल साहब है, उसका नाम नसीम अंसारी साहब, और क्या बताओ कैसे कैसे असर सही था फजल काबिश। खैर मेरे दोस्त अशोक वाजपेयी तो खैर मेरे दिल्ली में है, बहुत लोग मेरी तरफ उन्होंने अपने यहाँ से भारत भवन की मीटिंगों में कई बार मुझे बुलाया दिल्ली से, मेरा बहुत दिल्ली में कई दिन रहना हुआ। और फजल काबिश मुझे बहुत याद आते हैं, कैसे कैसे दोस्त निकल गए, कैसे कैसे कर्म करवा। अरे एक हमारे वो भी थे असरार मसूद साहब थे, इस बार मसूद भैया बैठे थे, असरार मसूद साहब एक बिजनेसमैन थे, पता नहीं कहाँ है, यहाँ यहाँ जी, बहुत कर्म फरमा था, आप अपने घर पे बड़ी मोहब्बत से बुलाते थे, कई कॉन्फ्रेंस यहाँ हुई है। और तकल्लुफ भोपाली साहब ने यहाँ जवाब पर यहाँ पे रखी, जिसमें हैदराबाद से हम सब ने शिरकत की थी, मुस्तफा कमाल साहब और ये हम सब लोगों ने। तो बहरहाल हमने अपनी सी कोशिश की के तर्कविदा का माहौल इस मुल्क में बने और तर्कविदा को वो मर्तबा हासिल हो जिसका वो अरे हकदार होता है उसका। और कोशिश की और इस वक्त हम हैदराबाद को राजधानी भी समझा जाता है यानी तर्कविदा की। और एक बात भोपाल से एक रिश्ता और भी है कि साहब ये भोपाल ने मुझे जितनी भी अटैक की देखा गया था, क्योंकि भोपाल गैस की ट्रेनिंग से 15 मिनट पहले मेरी गाड़ी नहीं से गुजरी, मैं सैकड़ों मरतबा दिल्ली से हैदराबाद जाते हुए मैं यहाँ से गुजरा हूँ, तो हमारी गाड़ी 15 मिनट पहले यहाँ से निकल गई। और उसके बाद वो भोपाल का जो कार्रवाई वो जो गैस का खाली हुआ, हो सकता है कि वो अगर गाड़ी हमारी रुकी रहती तो मेरे भरोसा क्या तब तक आते रहते हैं जो मैं मांगना मिले हमारा बिजनेस चाहिए। भगवान से बड़े जिससे है मेरे कभी का मजा तो कैसे कैसे लोग याद थे। बहरहाल मैं देख रहा हूँ कि जब पिछले चेहरे नजर नहीं आ रहे हैं तो बड़ी एक दुख तो होता ही है। अब ये जैसे सूरत ज्ञान देवी के हमारे वकील बदर साहब भी पद्मश्री है, मैं भी जब से बार बार पद्मश्री सुन रहा हूँ तो वो भी इससे आशना होगा कि होंगे कि पद्मश्री बनने के क्या क्या नुकसान आते हैं, इससे वाकिफ होंगे। मैं तो अपने मैं जानता हूँ कि सर मुझे पद्मश्री मिलने के बाद दिल्ली में मुझे दिल्ली में ही रहा बहुत दिनों तक 35 बरस गुजारे। तो वहाँ की एम्बेसी के कौनसल जनरल सऊदी एम्बेसी थे, उन्होंने मुझे बुलाया कि मेरे अपने घर पर तकलीफ रखी। और वहाँ अरबी में जैसा कि आप जानते हैं पे नहीं होता, तो पे तो बोलते ही नहीं, तो बार बार मुझे कहने लगे कि बदमाश्री यहाँ हमारे बीच है, बदमाश्री बार बार वो बदमाश्री कहते। मैं तो बड़ा बदमाश्री जाके पद्मश्री हो गए, तो मैंने उसको बताया कि मत कीजिए, तो कहने की वहां बदमाश्री। अरे मैंने कहा साहब पद्मश्री है वो तो बोले नहीं करता है आठ करोड़। तो खैर मैंने ऐसे डिजिटल वार्ता पहुंचते हुए मैंने जब मुझे मिला है तो ये बशीर बदर साहब के साथ भी हुआ होगा, ये मेरी बीवी जो बड़ी परेशानी दी थी वो पद्मश्री का अवार्ड मिला मुझे, अभी ये तो बहुत सीनियर पद्मश्री है मुझसे, जब मुझे अवार्ड मिला तो बड़े
साहब वो मुबारक आदमी आने लगी सब खंड आ गए। अब मैंने अपनी बारिश से कहा कि भाई तुम्हें जो है बात करो, मैं तो इतनी मुबारकबादी आपको भूल नहीं कर सकता। तो वो बेचारी परेशान होकर मार रहा था, मैं तो कई दिन बीवी ने मेरे उठाया, कहने के पद्मश्री के घर पे है, तो बीवी ने कहा कि जी नहीं है। तो उन्होंने पूछा कहाँ कहाँ बोल रहे हैं, कहने के मैं श्रीमती पद्मश्री बोल रही हूँ। उसके बाद दुकान पे पहुंचा, वहां मालूम आके पर्स वो नहीं है। तो उसने उसने उस दिन तस्वीर देख ली थी अखबार में। ऑटो वाले ने कहा कि साहब आप तो बदमाश भी है क्या, मैंने अभी याद में पर्स भूल गया, पैसे में तुम्हें बाद में अरे छड़िए साहब मैं आपसे क्या पैसा लूंगा, आप मेरे न सिर्फ पद्मश्री है बल्कि पद्मश्री भी है, मैं आपको पैसे ही आपको दे रहा हूँ। एक तरह की बातें बहुत सी मेरे दोस्त मुस्तफा कमाल ने मैं से बतानी, आप सुनना चाहें तो वो सुनाऊंगा ही, मगर ये दवाई पुस्तकों में काम करता हूँ मैं भोपाल की वजह से। ये नुसरत मेहदी साहबा की मोहब्बत है कि उन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और जबानी पुस्तकों में कर रहा हूँ, मैं तो भी हैरान के मुद्दे लाऊँ कि मैं कैसे जबानी पुस्तकों कर रहा हूँ, मैं उन्नत लिख के पढ़ लेता हूँ। मेरे दोस्त मुस्तफा कमाल ने बहुत ही बड़ी विचारे किए अपने बयान में, और खुद नसीब अंसारी साहब ने भी बहुत से मैंने ऐसी बातें की दोनों मिला के बारे में, मजीद मैं समझता हूँ कि कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं जब संजीदा गुफ्तगु हुई है तो कभी कभी मिला निकाल को भी संजीदा बन जाना चाहिए सर। तो मैं कुछ चंदों मिलाकर क्योंकि 50 बरस मैंने इंडस्ट्री तैयारी की है, तो मैं कुछ चाहता हूँ कि दो तीन पैराग्राफ जो है वो मैं सुना देता हूँ, फिर बाद में मैं खुशबू रखना पूछता हूँ। इसका उर्दू के एक अपना मिला निकाल की हैसियत से ये मेरा आशय अकीदा है कि जब तक हर इंसान को उसके हिस्से की सच्ची खुशियां और मसरतें नहीं मिल जाती, तब तक इस धरती पर दाय नहीं अमल कायम नहीं हो सकता। अजीम वैसी इंसान के कहते से लेकर आज के इंसान के कहते तक तहजीब ने एक लंबा सफर तय किया, लेकिन जदीद माशरे के तजादात और घटपकट ने मुहत्तर इंसान के कहते के असली रूप को बदलना शुरू कर दिया है। हमें जहां रोना चाहिए वहां रो देते हैं और जहां हंसना चाहिए वहां रो देते हैं। अहमियत सिर्फ हंसी की नहीं बल्कि इस बात की होती है कि कब हंसा जाए, कैसे हंसा जाए, कितना हंसा जाए और किस पर हंसा जाए। हमारा माशरा दिन ब दिन कुछ इतना तेज रफ्तार और पेचीदा होता जा रहा है कि हम जिंदगी की कुछ बीमारियों और नजाकतों को फरामोश करते चले जा रहे हैं। परसों मैंने एक दोस्त को एक लतीफा सुनाया तो उसने लतीफे पर हंसने की बजाय अपनी घड़ी देखी और कहा यार ये सब बहुत जल्दी में तुम्हारे लतीफे के साथ इंसाफ नहीं कर सकूंगा, अगर तुम इजाजत दो तो मैं लतीफे पर घर जाकर जरा इतना निकल के साथ हंसने की कोशिश। जरा पर निगाही के लिए आदमी का गरीब होना ही काफी नहीं होता बल्कि उसका बालक होना भी नया जरूरी होता है। चाहे कुछ भी हो ये एक हकीकत है कि हंसी दुनिया के सारे इंसानों की बुनियादी मादरी जबान है। इंसान चाहे उर्दू बोले या अंग्रेजी, फ्रांसीसी बोले या इतालवी, मगर जब वो हंसता है तो मुस्तफा तौर पर एक ही लहजे और एक ही अंदाज से हंसता है। अलबत्ता हंसने की मेंदार वजूहात मौजूदात और लोहियात मुख्तलिफ हो सकती है, लेकिन वो हंसता तो एक ही तरीका है। सारी कायनात में इंसान ही एक ऐसा समाजी जानवर है जिसे खुदा ने हंसी की दौलत पर रखी है। दिल्ली में सुबह के वक्त पार्कों में योगा की क्लासें चलती हैं, जिनमें एक मरहले पर अचानक एतराज लगाने की मशक भी शामिल होती है। जब सारे लोग किसी वजह या सबब के बगैर अचानक दीवाना वार कहकर लगाना शुरू करते हैं तो उन्हें देखकर कभी कभी ये गुमान होता है जैसे इन पर अचानक पागलपन का दौर हो। और ये कोई मजाक की बात नहीं है बल्कि हकीकत है कि जो आदमी किसी सब या सबब या वजह के बगैर रहता है वो बिल्कुल पागल ही होता है। ये ऐसा ही है जैसे कोई बड़ा मुल्क अचानक एक कमजोर मुल्क पर मिसाइलों और रॉकेटों से हमला करके उसे दबाव ताराज कर दे और इदारा अखबार जो मक्का में मुतहदम में दीवाना बात कहते हुए लगाना शुरू कर दे। ट्रेन के सफर में हमें एक ऐसा हम सफर मिल गया था जो वफे वफे से हल्का सा कहता लगाकर खामोश हो जाया करता था।
हमें उसकी दिमागी है और खुद अपनी सलामती की फिक्र नाराज हुई, तो हमने उससे पूछा, मियां कैफियत तो है, ये तुम बार बार हल्का सा कहकर लगाकर क्यों पाप उठ जाते। इसने नहायत असलबंदी के साथ हमसे कहा, हुजूर मैं आपसे अच्छी तरह वाकिफ हूं और इस वक्त मुझे आपके बाद मिजाइया पता नहीं के दिलचस्प जुमले और वाकयात याद आने लगे हैं, इन्हीं पर हंस रहा हूं। इसके इंतजार पर हमने कुछ होकर कहा, अगर ये बात है तो तुम अधूरा कहता लगाने की बजाय पूरा कहता क्यों नहीं लगाते। बोला, जनाब आपके इन मजामीन को मैं पहले पढ़ चुका हूं और इन पर जितना हंसा जा सकता है वो हंसी में पहले ही हंस चुका हूं। अब इनमें से इतनी हंसी के निकलने की गुंजाइश बाकी रही है जितनी के मैं अपनी। और इसकी बड़ी बात को सुनकर हम लाजवाब हो गए। कभी हाल ही में हमें एक और मौके पर लाजवाब होना पड़ा था। ये वो वाकया भी आप सुन ले, ये तो आप जानते हैं कि खवातीन से कभी उनकी उम्रें नहीं पूछी जाती। बिना निगाह होने के नाते हमसे कोई गलती योगी शक्त नहीं होती, ताहम बिना निगाह होने के बावजूद महज इंसान होने की वजह से हमसे एक बार ही गलती सतर्क हो गई। वो यूं कि हमने वे किया नहीं है, खातून से पूछा, मोहतरमा आपकी उम्र कितनी है। निहायत खुश और निहाल होकर मोहतरमा ने अपनी नजरें झुकाई और शर्मा कर पूछा, आपको कितनी चाहिए। उनके इन सवाल नुमा जवाब को सुनकर हम न सिर्फ लाजवाब हो गए बल्कि उल्टा क्षण से पानी पानी हो गए। आदमी कब हंसता है और कब होता है, इसकी पेश तैयारी करना बहुत मुश्किल काम है। यो भी कहता हूं और आंसुओं के बीच सिर्फ बाल बराबर का फर्क होता है। 1985 में हम विक्रम चौधरी और तारा सिंह गामिल बसर के ट्रेन दिल्ली से हैदराबाद आ रहे थे। खाजीपेट के स्टेशन पर एक भिखारी हमारे डिब्बे में आया और भीख मांगने लगा। तारा सिंह गामिल ने उसे डालने के लिए यूं ही कह दिया, मियां माफ करो और आगे जाओ। भिखारी फिर भी नहीं हटा और बदस्तूर वहीं खड़ा रह गया। तारा सिंह गामिल ने अब की बार गुस्से से कहा, मियां कह तो दिया कि आगे जाओ, फिर यहां क्यों खड़े हो। भिखारी ने अपनी विरान और बेमत आंखों से तारा सिंह गामिल को देखा और कहा, हुजूर आगे जाकर क्या करो, आगे भी तो आदमी की तरह के नंगे भूखे लोग। इतना सुनते ही हमारे हालत से बेसाख्ता एक पदक शिकाब कैसा निकला और फिक्र चौधरी की आंखों से दिल शिकाब आंसू निकल रहा। हमें आज तक समझ में ना आया कि भिखारी के जुमले में मिजा था या तंस था तो किस पर था और मिजा था तो किसके लिए था। बसुदा हमें मिजा लिखते हुए लगभग मिस सदी और मिसवानी मिजा को बरतते हुए 70 बरस बीत गए और इस सारे अरसे में हमने अपनी जराफत को कभी अपनी या किसी और की कमजोरी से आलोचना होने दिया।